Hello everyone and welcome back to Mind Review. I am Sakshi Kaushik and the topic for today's video is social influence and persuasion. तो ये एक important topic है social psychology के paper से related and in today's video within social influence we are going to discuss about conformity, compliance, obedience, उनसे related कुछ tactics, कुछ experiments and finally we will also discuss about persuasion. So without wasting any further time, let us get started. So सबसे पहले पढ़ेंगे कि social influence exactly होता क्या है. So we all know कि social influence में conformity, compliance, obedience, all of these things are included. But what exactly does it mean to influence somebody? So social influence is either the intentional or the unintentional efforts that an individual applies to change another person's beliefs, attitudes or behaviors. तो या तो आप इंटेंशनली यू नो एफर्ट पुट इन करो ताकि दूसरे इंसान के जो भी बिलीफ हैं, एटीट्यूड हैं या बिहेवियर हैं उसको आप चेंज कर पाओ, या वो अनइंटेंशनली हो रहा है. एंड विद इन सोशल इन्फ्लुएंस वी कैन हैव थ्री टाइप्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस. एक हो सकता है कन्फर्मिटी, एक हो सकता है कंप्लायंस और एक हो सकता है ओबीडियंस. सो लेट अस वन बाय वन कवर ऑल ऑफ दिस. So the first type of social influence that we will cover is conformity. Conformity में क्या होता है? Behavior change which is designed to match the action of others. तो होता है ना कि दूसरे लोग जैसा बिहेव कर रहे हैं हमें भी वैसा ही बिहेव करना चाहिए ताकि वो लोग हमें एक्सेप्ट कर लें. स्कूल में जब एक कोई पॉपुलर ग्रुप होती है सो कॉल्ड, सो अदर चिल्ड्रन ऑल्सो बिगिन टू फॉलो देयर, जो जैसा पॉपुलर ग्रुप बिहेव करते थोड़ा थोड़ा वैसा ही बिहेव करने लग जाते ताकि वो पॉपुलर ग्रुप ऑफ दैट स्कूल ऑल्सो accepts this person. So conformity में कोई आपको कह नहीं रहा कि आप अपना behavior, attitude या अपने जो भी beliefs हैं उनको change करो, ना ही कोई आपको force कर रहा है, ना ही कोई order दे रहा है, ना ही कोई request कर रहा है. Nobody is saying. बट कन्फॉर्मिटी में क्या है कि आप कन्फर्म कर रहे हो, आप खुद अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हो ताकि आप दूसरों के एक्शंस के साथ अपना एक्शन मैच कर पाओ और उनके ग्रुप का एक सॉर्ट ऑफ यू नो पार्ट बन पाओ, या एटलीस्ट वो लोग आपको एक्सेप्ट करें एज सो कॉल्ड नॉर्मल, कोट अनकोट नॉर्मल. तो वो होता है कन्फर्मिटी. एंड सम रीजंस व्हाई पीपल कन्फर्म, या तो इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से या फिर नॉर्म इन्फ्लुएंस की वजह से. सो नॉर्म रेफरेंस्ड टाइप का जो इन्फ्लुएंस होता है वो ये होता है कि नॉर्म्स में काफ़ी बार बता चुकी हूँ, वो जो अनसेड लॉज होते हैं ना सोसाइटी के कि आपको ऐसा फॉलो करना चाहिए या ऐसे बात करनी चाहिए, सो सॉर्ट ऑफ अनसेड रूल्स ऑफ एनी कल्चर, एनी सोसाइटी और एनी ग्रुप फॉर दैट मैटर. सो क्योंकि कुछ नॉर्म्स होते हैं बिहेव करने के, तो उस नॉर्म को फॉलो करने के चक्कर में भी कई लोग कन्फर्म कर देते हैं दूसरे लोगों के बिहेवियर से. एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि जब हम एक एम्बिगुअस से सिचुएशन में होते हैं या ऐसी सिचुएशन में होते हैं जिसमें हम ज़्यादा श्योर नहीं अबाउट हाउ द थिंग इज या कैसे बिहेव करना चाहिए, सो हम दूसरे लोगों के जो बिहेवियर हैं उनको देखते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं और वैसे ही अपना बिहेवियर भी डिजाइन कर लेते हैं. तो वो उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस, और उसकी वजह से भी कई लोग कन्फर्म कर लेते हैं. सो कन्फॉर्मिटी बेसिकली आपको याद क्या रखना है कि यहाँ पे इंसान अपना खुद ही बिहेवियर चेंज कर रहा है बिकॉज दैट पर्सन वॉन्ट्स टू मैच द एक्शन ऑफ अदर पीपल. ठीक है, नोबडी इज रिक्वेस्टिंग और फोर्सिंग दिस पर्सन टू चेंज. नाउ यहाँ पे कन्फॉर्मिटी में काफी लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं. वन फेमस एक्सपेरिमेंट और स्टडी वॉज बाय सोलोमन एश इन द ईयर ऑफ 1956. ठीक है, सोलोमन एश ने बहुत ब्रीफली मैं बताऊंगी कि क्या स्टडी थी बिकॉज दीज वीडियो लेक्चर्स आर फोकस्ड फॉर द लेट्स क्रैक इट एंट्रेंसेस सीरीज, तो इसीलिए एक्सपेरिमेंट में बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे. इफ़ यू वांट कि आपको एक्सपेरिमेंट डेप्थ में चाहिए तो यू कैन गो ऑन टू द सोशल साइकोलॉजी प्लेलिस्ट, और उसमें कन्फर्मिटी के ऊपर ही प्रॉपर पूरा एक्सपेरिमेंट पे 20 मिनट्स डेडिकेट किया हुआ है. सो इन ब्रीफ इफ आई टेल यू, सोलोमन एश ने क्या किया था, कुछ पार्टिसिपेंट्स बुला लिए थे, पार्टिसिपेंट्स को रखा था, ठीक है, और ये दो कार्डबोर्ड्स दिखाए थे. पहला कार्डबोर्ड था ये कि ये टारगेट लाइन है, और दूसरा कार्डबोर्ड था ये जिसमें तीन लाइन्स हैं, लाइन ए, बी एंड सी. और फिर सोलोमन एश ने वहां पे जितने भी लोग प्रेजेंट थे, 7-8 जो भी लोग प्रेजेंट थे, उनसे पूछा कि ये जो ए बी सी लाइन है उनमें से कौन सी लाइन है जो टारगेट लाइन के ऑलमोस्ट इक्वल है या नियर बाय है. ठीक है, तो विच लाइन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू योर टारगेट लाइन. अब यहाँ से देख के हमें क्लियरली पता लग रहा है कि कौन सी लाइन इक्वल है, सी इक्वल है ना. तो जो वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स
थे। अब उसमें मजे की बात क्या थी कि उन पार्टिसिपेंट्स में से सिर्फ एक ही इंडिविजुअल था जो एक्चुअल में पार्टिसिपेंट था, बाकी सारे जितने भी लोग बैठे थे दे वर कॉन्फिडरेट्स। कॉन्फिडरेट्स मतलब वो एक्सपेरिमेंटर के साथ ऑलरेडी मिले हुए थे और एक्सपेरिमेंटर ने बोला था उनको कि जानबूझ के आपको गलत आंसर देना है। सो जितने भी कॉन्फिडरेट्स थे पहले जो है सोलोमन आश ने कॉन्फिडरेट से ही आंसर करवाना शुरू किया और लास्ट में पार्टिसिपेंट से आंसर पूछा। सो यहाँ से शुरू होते होते सारे लोगों ने जो है गलत लाइन बोली कि ये जो बी लाइन है ना, बी लाइन सबसे ज्यादा सिमिलर है टारगेट लाइन के। अब क्या हुआ कि ये था तो एक सिंपल सा प्रॉब्लम कि भाई कौन सी लाइन सबसे ज्यादा सिमिलर है, और क्लियरली आपको दिख रहा है कि सी वाली जो लाइन है वो सिमिलर है सबसे ज्यादा। लेकिन जो अब पार्टिसिपेंट था एक्चुअल में वो क्या हुआ, कंफ्यूज हो गया कि यार यहाँ पे तो सारे के सारे जो और लोग बैठे हैं और पार्टिसिपेंट्स हैं, क्योंकि पार्टिसिपेंट को तो नहीं पता था ना कि वो लोग एक्सपेरिमेंटर के साथ मिले हुए हैं, तो वो कंफ्यूज हो गया कि यार सारे लोग जो है बोल रहे कि बी लाइन सिमिलर है। सो व्हाट दैट पार्टिसिपेंट डिड वाज द पार्टिसिपेंट ऑल्सो सेड दैट या बी लाइन है जो टारगेट लाइन के सबसे ज्यादा सिमिलर है। एंड यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा कन्फर्मिटी कि कैसे उस पार्टिसिपेंट ने अपना बिहेवियर, अपना एक्शन, अपना थॉट चेंज कर लिया सो दैट उसका जो बिहेवियर है वो दूसरे लोगों से मैच होने लगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सारे लोग एक पर्टिकुलर आंसर दे रहे थे और उसको फिर लेफ्ट आउट फील ना होए तो उसने भी वैसा ही आंसर दे दिया। इनफैक्ट लेटर ऑन सोलोमन एश ने ऐसी बहुत सारी फिर स्टडीज कंडक्ट की और उसमें उन्होंने फाइंड आउट किया कि अगर एक भी कोई ऐसा इंसान यहाँ पे होता ना जो बोल देता कि सी लाइन सबसे ज्यादा मैच कर रही है, यानी कि जो पार्टिसिपेंट बोलने वाला था वही चीज अगर बोल देता तो भी पार्टिसिपेंट अपना ओरिजिनल आंसर दे देता कि हाँ सी लाइन है एंड नॉट बी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं था, एवरीबडी वो सेइंग कि बी लाइन है। सो वहां पे पार्टिसिपेंट ने क्या किया, कन्फर्मिटी में वो आ गया और कन्फर्म कर दिया अपना बिहेवियर दूसरे लोगों के बिहेवियर से मैच करने के लिए। सो दिस वॉज एन एक्सपेरिमेंट बाय सोलोमन एश। अनदर एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड बाय मुजफ्फर शरीफ ऑन द ऑटोकाइनेटिक फिनोमिनन, ठीक है। ऑटोकाइनेटिक फिनोमिनन के ऊपर मुजफ्फर शरीफ ने 1937 में एक्सपेरिमेंट किया था। अब ऑटोकाइनेटिक फिनोमिनन में इन्होंने बेसिकली क्या किया था ना कि एक डार्क सा रूम है, ठीक है। डार्क से रूम में एक, जैसे आप इसको देख रहे हो ना, ब्लैक पिक्चर है, पूरा रूम डार्क है और यहाँ पे से सिर्फ एक पॉइंट ऑफ लाइट आपको दिख रहा है, जो व्हाइट कलर की लाइट दिख रही है ना पूरे इसमें इमेज में। सो ऑटोकाइनेटिक फिनोमिनन सेज कि अगर आप एक डार्क रूम में सिर्फ एक पॉइंट ऑफ लाइट देखोगे तो क्योंकि उस पॉइंट ऑफ लाइट का कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है तो आपको ऐसा अपियर होगा जैसे ये जो लाइन है इस रूम में मूव कर रही है। हालांकि इतनी ज्यादा मूव होती हुई नजर नहीं आएगी कि यहाँ से पूरे यहाँ तक मूव कर गई, ठीक है, हल्की हल्की मूव करती हुई नजर आएगी बिकॉज दिस लाइट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस ओवर हियर। तो यही बात है, ठीक है। तो जो है कि ऑटोकाइनेटिक फिनोमिनन इसी चीज को कहते हैं। सो मुजफ्फर शरीफ ने जो है इसी चीज पर स्टडी करते हुए ये बोला था कि वहां पे उन्होंने जब काफी सारे पार्टिसिपेंट्स को बिठाया, वंस अगेन ओनली वन वॉज एन ओरिजिनल पार्टिसिपेंट और बाकी सारे कौन थे, कॉन्फिडरेट्स, और उनको ऐसे डार्क यू नो एटमोसफेयर करके और लाइट दिखाई गई और फिर सारे कॉन्फेडरेट से एक एक करके पूछा गया कि कितनी मूव हुई ये लाइट, कितनी मूव हुई, और हर एक कॉन्फेडरेट ने ऑफकोर्स वो तो झूठी बोलेंगे, उन्होंने इतना बड़ा अमाउंट बोल दिया कि मे बी यू नो 1 मीटर तक मूव हो गई या 2 मीटर्स तक मूव हो गई, तो उन्होंने काफी ज्यादा ज्यादा मूवमेंट बता दिया जितना पॉसिबल भी नहीं था, और नॉर्मली भी अगर आप देखोगे तो आपको नहीं लगेगा कि इतना कुछ मूव हुआ है। बट उस वक्त जो ओरिजिनल पार्टिसिपेंट था अब उसको तो रियलाइज हो रहा है कि भाई थोड़ा सा ही तो मूव हुआ था, सारे लोग क्यों ऐसे बोल रहे हैं। बट बिकॉज सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं और वो कंफर्म कर दिया अपना बिहेवियर बिकॉज दैट पर्सन ऑल्सो वॉन्टेड टू मैच देयर बिहेवियर विद अदर्स बिहेवियर एंड अदर्स एक्शंस एंड अदर्स थॉट, तो पार्टिसिपेंट ने भी बोल दिया कि बहुत ज्यादा जो है मूव हुआ है। सो ये कुछ स्टडी थी जो ऑटोकाइनेटिक फिनोमिनन पे मुजफ्फर शरीफ ने की थी। एंड ऑटोकाइनेटिक फिनोमिनन फॉर नाउ ऑनवर्ड्स यू विल रिमेम्बर कि अगर आपका एकदम यू नो डार्क लाइट में एक थोड़ी सी लाइट दिखाई जा रही है तो दैट लाइट अपियर्स टू मूव, वो सिंपली इसलिए अपियर करती है मूव होने में क्योंकि कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं है उस लाइट के लिए जो हम देख सकें, बट वो इतनी ज्यादा मूव होती हुई नजर नहीं आती कि इस पॉइंट से एकदम से इधर मूव हो जाए। बट देन पार्टिसिपेंट्स ने क्या किया, कन्फर्म किया। एंड अनदर टर्म दैट आई वॉन्ट टू डिस्कस विद इन कन्फर्मिटी
और रादर विद इन सोशल इन्फ्लुएंसेस इंट्रोस्पेक्शन इल्यूजन. इंट्रोस्पेक्शन इल्यूजन का मतलब होता है कि हम लोग जो है ना बिलीव करते हैं कि ये जो सोशल इन्फ्लुएंस के प्रोसेसेस होते हैं कि जैसे हमने ऐसे कंफर्म कर दिया अपना बिहेवियर, झूठ बोल दिया इतना ज़्यादा, या बोल दिया कि हाँ ये लाइन उस लाइन से मैच हो रही है जबकि मैच हो ही नहीं रही थी एज इन द अर्लियर एक्सपेरिमेंट्स दैट वी सॉ. तो हमें ऐसा बिलीफ होता है कि ये जो सोशल इन्फ्लुएंस के प्रोसेसेस होते हैं ये हमारे ऊपर इतना इन्फ्लुएंस नहीं करते, रादर जो दूसरे लोग हैं उनके एक्शंस पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं. तो वो एक इल्यूजन होता है. आप में से अभी शायद काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि यार ऐसे कैसे पार्टिसिपेंट्स बोल सकते हैं कि यू नो ये डॉट या ये लाइट मूव कर रही है या फिर लाइन बी इज़ मोर सिमिलर टू टारगेट लाइन, जबकि क्लियरली दिख रहा है कि लाइन सी ज़्यादा सिमिलर है. तो आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि अगर हम उसके पार्टिसिपेंट की जगह होते हम तो सच ही बोलते चाहे दुनिया कुछ भी बोल रही हो. बट दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ इल्यूजन दैट वी ऑल हैव कि ये जो सोशल इन्फ्लुएंस है इसका हमारे ऊपर कम असर होता है और दूसरे लोगों के एक्शंस शेप करने पे ज़्यादा असर होता है. सो दैट इज़ एन इल्यूजन. और कौन से फैक्टर्स हैं जो कन्फॉर्मिटी को अफेक्ट कर सकते हैं या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? सो फैक्टर्स जैसे कि कोहेसिवनेस, कि अगर आप किसी ग्रुप के पार्ट हो, चलो ये तो एक्सपेरिमेंट्स थे और इसमें सारे लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, बट इन जनरल व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल इन्फ्लुएंस तो वो तब होता है ना ज़्यादा जब हम अपने नोन लोगों के साथ या ग्रुप मेंबर्स के साथ होते हैं. तो अगर आपकी ग्रुप बहुत ज़्यादा कोहेसिव है यानी कि बहुत कलेक्टिव है आपकी ग्रुप, एकदम मिलजुल के आप लोग रहते हो, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप कंफर्म करोगे उनके बिहेवियर्स के साथ. ग्रुप साइज पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कितना बड़ा ग्रुप साइज है उससे डिपेंड हो रहा है आपका कन्फॉर्मिटी कितना होगा. सोशल नॉर्म्स क्या हैं, ठीक है, अगर आप सोशल नॉर्म्स में कुछ ज़्यादा ही मान रहे हो तो देन यू विल फॉलो द सोशल नॉर्म्स और आप दूसरों के बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही बिहेव करोगे और कन्फर्म करोगे. सो दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू कन्फॉर्मिटी. और अब हम शुरू करते हैं अपना दूसरा सोशल इन्फ्लुएंस का टॉपिक जो कि है कंप्लायंस. अब कंप्लायंस क्या होता है, यहाँ पे भी बिहेवियर चेंज तो हो ही रहा है बट इट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट रिक्वेस्ट. तो यहाँ पे कोई डायरेक्टली हमें रिक्वेस्ट कर रहा है अपना बिहेवियर चेंज करने के लिए. तो कैसे डिफरेंट है कन्फॉर्मिटी और कंप्लायंस? तो कन्फॉर्मिटी में क्या था कि हमें कोई बोल नहीं रहा था कि अपना बिहेवियर चेंज करो, ना ही कोई रिक्वेस्ट कर रहा था, वो तो हमने खुद से कर लिया. बट कंप्लायंस क्या है, यहाँ पे कोई डायरेक्टली हमें रिक्वेस्ट कर रहा है टू चेंज आर बिहेवियर. बट द थिंग दैट यू नीड टू नोट ओवर हियर इज कि हुएवर इज मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, जो भी हमें डायरेक्टली रिक्वेस्ट कर रहा है, उसकी हमारे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, हम लायबल नहीं है उसकी रिक्वेस्ट फॉलो करने के, क्योंकि रिक्वेस्ट को हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं. लेकिन ऑफन क्या होता है, हम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं बिकॉज ऑफ सम टाइप्स ऑफ कंप्लायंस टेक्टिक्स जो लोग यूज़ करते हैं, स्पेशली जो मार्केटिंग और सेल्स में होते हैं लोग, वो लोग बहुत ज़्यादा ये टैक्टिक्स यूज़ करते हैं कंप्लायंस की, जिससे वो रिक्वेस्ट मेक कर रहे होते हैं और सामने वाला इंसान जो है उस रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ नहीं कर पाता और अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है, एज अ रिजल्ट कंप्लाई कर लेता है उनकी रिक्वेस्ट से. सो सम ऑफ द टेक्निक्स, एक टेक्निक है इनग्रेसिएशन. इनग्रेसिएशन का सिंपल मतलब है कि सॉर्ट ऑफ यू नो मक्खन लगाना. तो इनग्रेसिएशन में क्या होता है, हम कुछ जो भी इंसान अपना कोई रिक्वेस्ट मनवाना चाह रहा है तो वो क्या करता है कि जिस इंसान से अपनी रिक्वेस्ट मनवानी है पहले उस इंसान की थोड़ी तारीफ कर दिया, उनका थोड़ा मक्खन लगा दिया उनके ऊपर, ठीक है, उनको कुछ ऐसी बातें बोल दिया समथिंग लाइक दैट दैट दे बिगिन टू लाइक यू. तो सपोज मुझे आप लोगों से अपनी कोई रिक्वेस्ट मनवानी है, ठीक है, और मैं इनग्रेसिएशन की टेक्निक फॉलो कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी कि पहले मैं यू नो मे बी आप लोगों की थोड़ी तारीफ कर दूंगी, देन सेकेंडली क्या है कि मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे आप लोगों का मेरी तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाए एंड यू बिगिन टू लाइक मी इन अ गुड वे, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं अपनी रिक्वेस्ट मेक करूंगी, ताकि अब क्या है क्योंकि यू ऑलरेडी हैव अ पॉजिटिव पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स मी एंड यू ऑलरेडी लाइक मी इन अ गुड वे, तो फिर आप लाइकली हो कि आप मेरी रिक्वेस्ट को जो है मान लोगे और एक्सेप्ट कर लोगे. सो दैट इज इनग्रेसिएशन. अनदर टेक्निक इज फुट इन द डोर टेक्निक. अब यहाँ पे फुट इन द डोर टेक्निक में क्या होता है कि पहले एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट मेक करी जाती है कि प्लीज मैम अच्छा एक ये छोटा सा पेन खरीद लो, पेन ही बहुत है आपके लिए, ठीक है, तो छोटी सी रिक्वेस्ट थी तो लोगों ने सोचा कि चलो यार छोटी रिक्वेस्ट है इसको तो मान ही लेते हैं, मान ली.
फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट की जाती है कि मैम आपने पेन तो खरीद ही लिया है, अब आप ये डायरी भी खरीद लो। ठीक है, तो फिर क्या है कि एक बड़ी रिक्वेस्ट की, अब यहाँ पे क्या आया कि इंसान को अपने पुराने डिसीजन से ही थोड़ा बहुत सिमिलर रहना का मन करता है कि यार पहले पेन भी खरीद लिया तो चलो अभी डायरी भी ले ही लेती हूँ, क्या फर्क पड़ता है। सो वो है फुट इन द डोर टेक्निक, वेयर वी बिगिन विद अ स्मॉल रिक्वेस्ट, और जब वो स्मॉल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है तब हम एक बड़ी रिक्वेस्ट रख देते हैं एंड द पर्सन इज लायबल टू एक्सेप्ट दैट रिक्वेस्ट ऑल्सो। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो, फुट इन द डोर, तो जो हमारा फुट होता है वो पूरे डोर से तो वो छोटा ही होता है, तो पहले छोटी रिक्वेस्ट और फिर आता है पूरा डोर जो कि बड़ी रिक्वेस्ट है। आफ्टर दैट इज डोर इन द फेस टेक्निक, जो बिल्कुल ऑपोजिट है। डोर इन द फेस टेक्निक में क्या है, आप पहले इतनी बड़ी कोई रिक्वेस्ट रख देते हो जो ऑफ कोर्स आपको भी पता है कि सामने वाला जो है रिजेक्ट ही कर देगा। तो आप एकदम से जाते ही अगर किसी को बोल लो कि आप पेन डायरी और ये सब कुछ ही खरीद लो, सो ऑफ कोर्स कोई भी इमीडिएटली जो है रिफ्यूज कर देगा दैट नो आई कैन नॉट बाय सो मच ऑफ थिंग। तो पहले आपने एक बहुत बड़ी सी पॉसिबल सी रिक्वेस्ट रख दी विच यू नो दैट द पर्सन विल रिजेक्ट, एंड आफ्टर दैट यू पुट फोर्थ अ सीमिंगली स्मॉल रिक्वेस्ट जो कि आपकी ओरिजिनल रिक्वेस्ट थी। ठीक है, ओरिजिनली आप इसी चीज को मनवाना चाह रहे थे पर आपने जानबूझ के पहले एक बड़ी रिक्वेस्ट रखी, वो रिजेक्ट हुई, फिर आपने ये सीमिंगली छोटी सी रिक्वेस्ट रखी, सपोज कि अच्छा चलो आप ये सब नहीं ले रहे तो एक पेन ड्राइव ही ले लो। तो क्या होता है, इंसान को एक फीलिंग आती है कि यार पहले भी मैंने रिजेक्ट कर दिया था, सो लेट मी टेक दिस एंड लेट मी नॉट रिक्वेस्ट दिस, ये तो छोटी सी बात है। तो वो होता है आपका डोर इन द फेस, सो योर डोर इज बिगर देन योर फेस। तो पहले आप बड़ी रिक्वेस्ट से शुरू कर रहे हो फिर आप छोटी रिक्वेस्ट पे आ रहे हो। ये मैं कुछ टेक्निक्स बता रही हूँ जिससे आप याद रख सकते हो, नहीं तो है ना बहुत बारी कन्फ्यूजन हो जाती है कि फुट इन द डोर और डोर इन द फेस में लोगों को। सो ये तीन टेक्निक्स हो गई कंप्लायंस की। फिर होता है लो बॉल टेक्निक। लो बॉल टेक्निक में क्या है कि जब एक बारी इंसान ने जो भी इंडिविजुअल है जब एक बारी उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली या कोई भी ऑफर कोई भी डील एक्सेप्ट कर ली, तो उसके एक्सेप्टेंस के बाद उस डील को लेस अट्रैक्टिव बना दिया जाता है। तो कई बार होता है ना कि अगर स्पेशली कार शोरूम्स में जब हम कार खरीदने जाते हैं तो शुरुआत में तो बड़ा अट्रैक्टिव होता है सारा ऑफर, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो भी बताते हैं कि ये कार आप ऐसे ले लो, इसमें आपको इतने प्राइस पे मिल जाएगी, बस आपके ऊपर ये डिस्काउंट भी हो जाएगा, ये भी मिल जाएगा। एंड वंस वी हैव सेड कि ठीक है हम ये कार ले लेंगे, हमने पेपर साइन कर लिए, उसके बाद फिर वो जो डील है उसको कम अट्रैक्टिव कर दिया जाता है बाय सेइंग कि अरे अभी तो इसमें टैक्सेस भी ऐड होंगे, ठीक है अरे अभी तो इसमें ये एक्सेसरीज नहीं थी इसके अलग पैसे लगेंगे। सो ये होती है लो बॉल टेक्निक कि पहले तो आपने एक डील ऐसे अट्रैक्टिव सी बना दी ताकि इंसान उसको ले ले, और बाद में आपने उसके कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स रखे जब वो डील कम अट्रैक्टिव हो चुकी होती है, लेकिन बिकॉज द पर्सन हैज ऑलरेडी एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट और वो पहले ही बोल चुका है कि हाँ ठीक है मुझे ये ले लेनी चाहिए, तो फिर वो बाद में रिफ्यूज नहीं करता। सो वो आपकी लो बॉल टेक्निक है। देन इज योर प्लेइंग हार्ड टू गेट। प्लेइंग हार्ड टू गेट में क्या होता है कि हम जो लोग हैं उनको सजेस्ट करते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तो ना बहुत ही कीमती ऑब्जेक्ट है, बहुत ही स्कार्स ऑब्जेक्ट है, आपको फिर से नहीं मिलेगी ये चीज़ मार्केट में कहीं भी और बहुत मुश्किल से मिलती है ये, तो आपको ले ही लेनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, एक सॉर्ट ऑफ वो क्रिएट करें लोगों के मन में कि ये बहुत ही वैल्यूएबल आइटम है, लिमिटेड आइटम है, स्केयर्स आइटम है, शायद फिर से मुझको ना मिले, सो हम उस चीज़ को ले ही लेते हैं और रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो दैट इज प्लेइंग हार्ड टू गेट कि मैं उस चीज़ की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ा रही हूँ उनकी नज़रों में कि उन लोगों को लेना ही पड़ेगा ये सोच के दैट दिस इज़ अ वेरी वैल्यूएबल थिंग, एंड अगर मैंने ये ऑफर मिस कर दिया, अगर मैंने ये चीज़ नहीं ली तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। देन इज योर डेडलाइन टेक्निक। डेडलाइन टेक्निक आप लोगों ने काफी बारी देखी होगी। डेडलाइन टेक्निक में क्या होता है ना, हम ऐसा सॉर्ट ऑफ दिखा देते कि लिमिटेड टाइम ऑफर है सिर्फ, अगर आपने इतने टाइम में नहीं लिया तो ये ऑफर खत्म हो जाएगा। सो मोस्टली ऑन ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स वी सी कि ये लिमिटेड टाइम डील है, एक्सक्लूसिव डील है, यू हैव टू टेक दिस डील विद इन वन आवर, अगर आपने एक घंटे के अंदर अंदर ये डील नहीं ली तो फिर क्या होगा कि ये डील जो है खत्म हो जाएगी या कैंसिल हो जाएगी। सो उसमें क्या होता है, हम जल्दी जल्दी तुरंत ही कंप्लाई कर लेते, चाहे हमें लेना हो ना लेना हो, हम तुरंत ले लेते कि अरे अच्छा ऑफर मिल रहा है, डील मिल रही है, तुरंत ले लेते हैं। सो डेडलाइन टेक्निक इज अनदर टेक्निक टू गेन कंप्लायंस।
एंड फाइनली वी हैव दैट्स नॉट ऑल टेक्निक. दैट्स नॉट ऑल टेक्निक में कई बार ये करते हैं ना शॉपकीपर्स भी कि अरे आपको ये तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ ये भी मिलेगा, इसके साथ साथ आपको एक फ्री चीज़ ये भी मिलेगी, फिर आपको ये भी मिल जाएगा. सो वो होता है दैट्स नॉट ऑल टेक्निक, वेयर वंस अगेन मतलब इससे पहले कि इंसान अपना डिसीजन मेक कर पाए कि उसको कोई पर्टिकुलर आइटम खरीदना है कि नहीं, हम उसके पहले ही काफ़ी सारे और भी यू नो एडिशनल बेनिफिट्स उस इंसान को बताते रहते हैं कि आपको ये चीज़ भी मिलेगी, ये चीज़ भी मिलेगी, ताकि इवेंचुअली वो इंसान जो है हमारी रिक्वेस्ट से कंप्लाई करे और उस चीज़ को बाय कर ले. सो दीज आर सम ऑफ योर कंप्लायंस टैक्टिक्स जो कि मोस्टली एडवर्टाइजिंग कंपनीज में बहुत ही ज़्यादा यू नो हाई लेवल पे यूज़ होती है. इवन द एडवर्टाइजमेंट्स दैट यू सी ऑन द टेलीविजन उसमें भी यूज़ होती है. एंड अनकॉन्शियसली हम जो हैं वो उनकी रिक्वेस्ट लोगों की मार्केटिंग सेल्स एग्जीक्यूटिव्स की मान जाते हैं, थिंकिंग कि हमें तो एकदम बेस्ट डील लेके आए हैं हम लोग, बट इवेंचुअली क्या है कि उनका एकदम बेस्ट हो गया है. ठीक है, सो ये कुछ कंप्लायंस टैक्टिक्स हैं. एंड नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस जो कि है ओबीडियंस. सो ओबीडियंस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम कन्फॉर्मिटी एंड कंप्लायंस. इसमें भी चेंज इन बिहेवियर है, बट दैट चेंज इन बिहेवियर इज बिकॉज वी आर गेटिंग अ डायरेक्ट ऑर्डर फ्रॉम एन अथॉरिटी फिगर. अब यहाँ पे अथॉरिटी फिगर कौन हो सकते हैं? हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे टीचर्स हो सकते हैं, या मे बी कोई यू नो हाई पोजिशन पे है गवर्नमेंट में, या समवन लाइक दैट जो कि एक अथॉरिटी होल्ड करता है हमारे ऊपर. अगर वो अथॉरिटी फिगर हमें डायरेक्टली ऑर्डर कर रहा है कि आपको कुछ ऐसा करना है, तो आप अपने बिहेवियर में चेंज लाते हो. तो होता है ना कि पेरेंट्स कभी कभी ऑर्डर करते हैं कि सुबह आपको जल्दी उठना है, कल हमारे यहाँ पे फंक्शन है और आपको जल्दी सबकी हेल्प करनी है. सो जो आप डेली लेट उठते हो, मे बी 9 बजे या 10 बजे उठते हो, तो आप उनके ऑर्डर की वजह से, उनके कहने की वजह से अपने बिहेवियर में चेंज करके उसके अगले दिन मे बी 6 AM पे उठ जाओगे या मे बी 7 AM पे उठ जाओगे. सो ओबीडियंस एंड कन्फॉर्मिटी कैसे डिफरेंट है? डू यू अंडरस्टैंड? कन्फॉर्मिटी तो था कि आप अपना बिहेवियर चेंज करो, जिसमें किसी ने आपको कहा भी नहीं है चेंज करने के लिए. कंप्लायंस था कि यू आर चेंजिंग बिहेवियर क्योंकि कोई रिक्वेस्ट कर रहा है आपको चेंज करने के लिए, बट रिमेंबर ये रिक्वेस्ट है, उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है हमारे ऊपर, हम उस रिक्वेस्ट को डिनाई भी कर सकते हैं. बट ओबीडियंस इज कि एक अथॉरिटी फिगर हमें ऑर्डर दे रहा है जिसको हम डिनाई मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं ही कर सकते. सो वो आपका ओबीडियंस है. एंड ओबीडियंस पे बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया था मिलग्राम ने. ठीक है, मिलग्राम्स ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट. एंड वंस अगेन इसका स्नैपशॉट मैं आपको दे देती हूँ, विल नॉट गो इन डेप्थ. अगर फिर से आपको इन डेप्थ समझना है ये एक्सपेरिमेंट, यू कैन गो ऑन टू सोशल साइकोलॉजी प्लेलिस्ट. ठीक है, सो मिलग्राम्स के ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था कि यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटर बैठा था, यहाँ पे था एक टीचर और यहाँ पे था एक लर्नर. अब ये जो लर्नर है और ये जो एक्सपेरिमेंटर है, ये दोनों आपस में मिले हुए थे. दैट मीन्स लर्नर वॉज अ कॉन्फिडरेट जिसको पहले से बताया था कि आपको कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेज देने हैं, और ये जो टीचर था ये एक्चुअल में पार्टिसिपेंट था, बट इसको लगा था कि ये कोई ड्रॉ के मेथड की वजह से टीचर बना है, और दूसरा इंसान लर्नर है वो भी पार्टिसिपेंट ही है. और टीचर जो है लर्नर को देख नहीं सकता था क्योंकि इनके बीच में एक वॉल थी. हाउएवर टीचर जो है लर्नर की आवाज़ सुन सकता था क्योंकि वो वॉल कंप्लीट नहीं थी, ऊपर से थोड़ा गैप था, बट द टीचर कुडंट सी द लर्नर. और एक्सपेरिमेंटर ने बोला था कि पहले लर्नर को एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स दी थी कि आप ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स जो है याद करो, और टीचर को बोला था कि आप फिर उससे वो लिस्ट ऑफ वर्ड्स सुनोगे, और अगर लर्नर गलत आंसर देता है, कोई भी गलत वर्ड बताता है जो लिस्ट में नहीं है, तो यहाँ पे जो सामने आपकी एक शॉक देने की मशीन रखी है उससे आप इलेक्ट्रिक शॉक दोगे इस लर्नर को, जो डायरेक्टली यहाँ पे आके लगेगा. बट द ट्रूथ वॉज कि लर्नर को कोई भी तरीके का शॉक नहीं लग रहा था. ठीक है, तो इनिशियली टीचर्स ने शॉक दिया, सब कुछ दिया, और इनिशियली इन लोगों से पूछा भी गया था, जो पार्टिसिपेंट टीचर बने थे उनसे पूछा भी गया था कि आप कितने लेवल तक का शॉक दे दोगे. तो सबने बोला था कि हाईएस्ट लेवल तक तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि शॉक देना इज नॉट अ गुड थिंग और सामने वाले इंसान को दिक्कत हो रही है, तो हम मैक्सिमम यू नो 15-25 इतने तक चले जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे, या ज्यादा से ज्यादा 60. बट हुआ क्या कि अल्टीमेटली बीच बीच में ये जो लर्नर है वो बेचारा बहुत चिल्ला भी रहा था, चीख भी रहा था कि प्लीज हेल्प मी, प्लीज डोंट गिव द शॉक, आई एम डाइंग ओवर हियर, समथिंग लाइक दैट, ऐसी ऐसी चीजें. लेकिन यहाँ से एक्सपेरिमेंटर जो है वो प्रेशर क्रिएट करे जा रहा था टीचर के ऊपर, दैट यू मस्ट कंटिन्यू, द एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्स यू टू कंटिन्यू, आपको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है एंड यू हैव टू कंटिन्यू. तो टीचर्स जो है एक्सपेरिमेंट ने ये फाइंड आउट किया
कि 65% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ने फुल लेवल ऑफ शॉक दिया, यानी कि 450 वोल्ट्स तक के लेवल तक वो शॉक देते गए लर्नर को, इवन व्हेन द लर्नर वो शाउटिंग प्लीडिंग और वो लिटरली बेग कर रहे थे कि प्लीज हमें शॉक मत दो। हाउएवर टीचर को नहीं पता था कि लर्नर को शॉक नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो दैट्स द ट्विस्ट इन दिस एक्सपेरिमेंट, बट ये चीज है। सो यहाँ पे क्या पता लगा मिलग्राम के ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट से कि ये जो एक्सपेरिमेंटर था, इस इमेज में तो ऐसे ही दिखाया बट इवेंचुअली वो एक लैब कोट पहन के बैठे हुए थे, व्हाइट कलर का लैब कोट होता है ना, वो पहन के बैठे हुए थे। तो एक्सपेरिमेंटर यहाँ पे एक अथॉरिटी फिगर की तरह एक्ट करने लगा, एक ऐसा फिगर जिसका कमांड होने लगा इस टीचर के ऊपर, इस पार्टिसिपेंट के ऊपर, और पार्टिसिपेंट उनको इस तरह से ओबे करने लग गए कि उन्होंने किसी दूसरे इंसान को इतना लेवल ऑफ शॉक भी दे दिया। सो ये था मिलग्राम्स ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट। और यहाँ पे कुछ फैक्टर्स यू नो सामने आए थे जो डिटरमिन कर रहे थे कि ओबीडियंस इवेंचुअली क्यों हुई होगी इस एक्सपेरिमेंट में। तो एक तो चीज थी कि विक्टिम का इमोशनल डिस्टेंस था, यहाँ पे जो लर्नर है वो यू नो टीचर से बहुत दूर है और टीचर जो है लर्नर को देख भी नहीं पा रहा डायरेक्टली, सो इमोशनल डिस्टेंस हो गया था एक। मे बी अगर ये डायरेक्टली इसे देख पाता है ऐसे यू नो गिरते हुए प्लीड करते हुए, सो इट माइट अकर कि वो इतना ओबे ना करता एक्सपेरिमेंटर को, बट इमोशनल डिस्टेंस हो गया। सेकंड चीज क्या हुई कि अथॉरिटी की क्लोजनेस थी। तो देखो एक्सपेरिमेंटर तो बिल्कुल सर पे बैठा हुआ है लेकिन लर्नर के और टीचर के बीच में दीवार है, सो अथॉरिटी क्लोज थी और दूसरा जो लर्नर है वो दूर था। थर्ड थिंग इज कि वेदर और नॉट द अथॉरिटी इज अ पार्ट ऑफ अ रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था ये काफी रिस्पेक्टेड और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन के यू नो नाम के अंडर हो रहा था, तो उससे भी पार्टिसिपेंट को लगा होगा कि यार ये तो एक मतलब यू नो रिप्यूटेड अथॉरिटी है, एक इंस्टीट्यूशन है अच्छा खासा, तो कुछ गलत तो नहीं करेंगे ये, मैं ओबे कर ही लेता हूँ या कर ही लेती हूँ, ठीक है। एंड अनदर रीजन वॉज द लिबरेटिंग इफेक्ट ऑफ अ फेलो डिसओबीडियंट पार्टिसिपेंट। तो जब इन्होंने देखा कि बाहर, क्योंकि सिर्फ एक ही पार्टिसिपेंट तो नहीं था, ऑफकोर्स दिस वॉज अ रिसर्च स्टडी, देयर वर मेनी पार्टिसिपेंट्स हू वर एम्प्लॉयड, तो जब इनको ये पता लगा कि बाकी सारे जो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने भी ये चीज करी थी, उन्होंने भी 450 लेवल तक का वोल्ट दे ही दिया था यू नो इलेक्ट्रिक शॉक, तो चलो मैं भी दे देता हूँ, ठीक है। सो ये है आपका मिलग्राम्स ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट एंड दीज आर योर सोशल इन्फ्लुएंस स्ट्रेटजीज, कि ओबीडियंस से, कंप्लायंस से या फिर आपके कंफर्मिटी से सोशल इन्फ्लुएंस हो सकता है। और फिर एक टर्म आती है पर्सुएशन। पर्सुएशन इंटेंशनल बिहेवियर चेंज होता है। तो हम लोग बोल रहे थे ना जैसे कि सोशल इन्फ्लुएंस तो इंटेंशनल भी हो सकता है पर कभी कभी अनइंटेंशनली भी हो सकता है, बट पर्सुएशन इज एन इंटेंशनल बिहेवियर चेंज। यहाँ पे हम इंटेंशनली किसी का बिहेवियर जो है चेंज करना चाह रहे हैं। एंड देर आर टू इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट आई वॉन्ट यू ऑल टू नो अबाउट। एक है आपका प्रिमिसी इफेक्ट और एक है रिसेंसी इफेक्ट। दोनों को मिला के बोला जाता है सीरियल पोजिशन इफेक्ट, ठीक है। प्रिमिसी इफेक्ट क्या होता है, अब सपोज मैंने आपको एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स दी जिसमें अराउंड 50 वर्ड्स हैं, ठीक है, 50 वर्ड्स की लिस्ट है और मैंने आपको बोला इस लिस्ट को याद करके आओ। तो प्रिमिसी इफेक्ट की वजह से क्या है, आप मैंने आपको बोला इसको याद करो, मैं आपको 10 मिनट दे रही हूँ और 10 मिनट बाद मैं सुनूंगी आपसे पूरी लिस्ट। सो इफेक्ट क्या होगा कि ये जो इनिशियल पार्ट्स थे इस लिस्ट के, यानी कि जो इनिशियल वर्ड्स थे इस लिस्ट के, दे विल हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन योर मेमोरी और वो आपको ज्यादा याद रहेंगे दैन जो बीच वाले वर्ड्स होंगे, ठीक है। और रिसेंसी इफेक्ट क्या होता है कि इस लिस्ट के जो लास्ट वाले वर्ड्स होंगे वो आपको ज्यादा याद रहेंगे दैन जो बीच वाले वर्ड्स होंगे। सो सीरियल पोजिशन इफेक्ट हमें यही बताता है कि किसी भी लिस्ट के जो इनिशियल फ्यू वर्ड्स होते हैं या लास्ट फ्यू वर्ड्स होते हैं वो हमारे को ज्यादा याद रहते हैं दैन द मिडल फ्यू वर्ड्स। ये जो बीच वाले वर्ड्स हैं उनको फॉरगेट करने की, बीच वाले इंफॉर्मेशन को फॉरगेट करने की हमारी टेंडेंसी ज्यादा होती है। एंड प्रिमिसी इफेक्ट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रिसेंसी इफेक्ट सेकेंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सबसे ज्यादा हमें फर्स्ट वाली जो हमने इन्फॉर्मेशन एनकाउंटर की थी वही याद रहती है, एंड दैट इज वाई ऑफन द सेइंग ऑल्सो गोज दैट फर्स्ट इंप्रेशंस आर ऑफन लास्ट इंप्रेशंस, कि पहली बार आपके बारे में जो इंप्रेशन किसी इंसान ने बनाया वो ज्यादा समय तक उसके साथ रहता है बिकॉज ऑफ दिस प्रिमिसी इफेक्ट। चाहे आप उसके बाद में कुछ कर लो कुछ ना कर लो, एंड ऑफन फिर रिसेंसी इफेक्ट की बोलते हैं ना कि यार अभी आपका स्कूल तो कुछ दिनों में खत्म होने वाला है, किसी से बिगाड़ के मत जाओ, क्यों, बिकॉज पीपल ऑल्सो रिमेंबर द रिसेंट थिंग्स दैट यू डिड विद देम। चाहे आपने उससे पहले कितने ही कुछ किया हो लेकिन रिसेंटली कुछ बेकार हो गया तो वही चीज वो याद रखेंगे, रिसेंटली कुछ अच्छा हो गया वही चीज में भी वो याद रखेंगे। सो ये है आपका प्रिमिसी एंड रिसेंसी इफेक्ट।
और एक लास्ट चीज जो मुझे आज के टॉपिक में वीडियो में डिस्कस करनी है वो है इलैबोरेशन लाइकलीहुड मॉडल। तो ये परसुएशन से ही रिलेटेड है और एक इम्पॉर्टेंट मॉडल है, सो आई थॉट दैट यू शुड नो अबाउट इट। बहुत डिटेल में नहीं बट थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो कोई भी परसुएसिव मैसेज आपके पास आता है, ठीक है, कोई भी इंसान जो आपका मन चेंज करने की कोशिश कर रहा है, बिहेवियर चेंज करने की कोशिश कर रहा है और परसुएट करने की कोशिश कर रहा है अपने मैसेज से, सो उस परसुएसिव मैसेज का या तो प्रोसेसिंग आप सेंट्रल रूट से कर सकते हो या फिर प्रोसेसिंग आप पेरिफेरल रूट से कर सकते हो। अब इसका क्या मतलब है, देखो कोई भी इंसान जब आपसे बात करता है, इवन राइट नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू और आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस कॉन्सेप्ट, आप लोग सॉर्ट ऑफ जज कर रहे हो ना मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं कैसे बोल रही हूँ। और ये चीज ज्यादा इंक्रीज जब हो जाती है जब कोई इंसान आपको कोई चीज सेल करने की कोशिश कर रहा हो या आपका बिहेवियर चेंज करने की कोशिश कर रहा हो। तो फॉर एग्जाम्पल कॉलेजेस में बहुत सोसाइटीज होती हैं, ठीक है, सीनियर्स आके काफी ज्यादा परसुएट करने की कोशिश करते हैं कि अरे यार आप ये सोसाइटी ज्वाइन कर लो, अपने दोस्तों को भी कन्विंस करो इस सोसाइटी को ज्वाइन करने के लिए। तो उसमें या तो आप उस मैसेज का प्रोसेसिंग सेंट्रल रूट से कर सकते हो, सेंट्रल रूट से प्रोसेसिंग होगा तो उसका मतलब ये होगा कि आप उस मैसेज के कंटेंट पे ध्यान दे रहे हो, उस मैसेज को कैसे डिलीवर किया गया है, मतलब सॉर्ट ऑफ कितना इंफॉर्मेशन है उस मैसेज में, उन चीजों पे फोकस कर रहे हो। सो व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन व्हाट द कंटेंट ऑफ द मैसेज वाज और क्या उसमें इंफॉर्मेशन थी, क्या कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन थी कि नहीं, तो वो हो गया आपका सेंट्रल रूट ऑफ प्रोसेसिंग। लेकिन पेरिफेरल रूट ऑफ प्रोसेसिंग क्या होगा कि जब आप पेरिफेरल चीजों पर, मतलब कुछ ऐसी चीजों पर कॉन्सेंट्रेट करके इंफॉर्मेशन प्रोसेस करो जो मैसेज से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि कौन सा सीनियर आके मुझे बता रहा है, ठीक है, अगर कोई बहुत ही एक्टिव एंड गुड लुकिंग सा सीनियर आके बोल रहा है तो चलो मैं मान जाती हूँ, तो वो हो गया एक आपका पेरिफेरल रूट दैट यू वर फोकसिंग ऑन हु वॉज डिलीवरिंग द मैसेज रादर देन फोकसिंग ऑन द मैसेज। या मैसेज अगर बहुत ही ज्यादा शॉर्ट एंड क्रिस्प था तो हो सकता है तब भी आप मान जाओ कि चल फटाफट इसने बोल दिया, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं दिया, आई गिव इन एंड मैं ये सोसाइटी ज्वाइन कर लेती हूँ। सो सेंट्रल रूट ऑफ प्रोसेसिंग था कि वो इंसान जो मैसेज डिलीवर कर रहा है आप सिर्फ उस पर फोकस कर रहे हो, आप अपनी खुद की रिसर्च कर रहे हो, इवेल्यूएट कर रहे हो कि क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ऐसे टाइप की जो प्रोसेसिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड्स हमारे बिल्ड करती है और ऐसे स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड्स हमारे बिहेवियर को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने मैसेज को इवेल्यूएट कर रहा है, मैसेज देने वाले को नहीं। पेरिफेरल रूट में हम कुछ ऐसी चीजें इवेल्यूएट करते हैं जो मैसेज से रिलेटेड नहीं थी, लेकिन कौन दे रहा है, ठीक है, कौन डिलीवर कर रहा है उस मैसेज को, कैसे मैसेज को डिलीवर किया जा रहा है, क्या मैसेज बहुत लंबा है या छोटा सा है, क्या मैसेज इंटरेस्टिंग है या नहीं है, तो उन चीज़ों से पेरिफेरल प्रोसेसिंग होती है। और उन चीज़ों की वजह से, पेरिफेरल प्रोसेसिंग की वजह से एक वीक एटीट्यूड बनता है, ठीक है, क्योंकि वीक एटीट्यूड क्यों होता है और ये वीक एटीट्यूड हमारे बिहेवियर को भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि कल को आके वही सेम मैसेज में भी आपकी नज़रों में कोट अनकोट नॉट सो अट्रैक्टिव इंसान आके बोलता है तो यू माइट रिजेक्ट इट। तो आपके बिहेवियर को हम इस बेसिस पे प्रिडिक्ट जो है वो नहीं कर पा रहे। सो दीज आर सम ऑफ द कॉम्पोनेंट्स दैट आर देयर, की स्पीच की कितनी स्पीड थी, आपका कैसा मूड था उस वक्त, ये आपके पेरिफेरल रूट पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। पेरिफेरल रूट पे जब आप जा रहे हो तो अगर आपका मूड अच्छा था तो आपने भी मान लिया बात, अगर आपका मूड ऑलरेडी गंदा था तो आपने बिल्कुल बात नहीं मानी। कितना सेल्फ रेलेवेंस है आपके लिए, इंडिविजुअल डिफरेंस, क्या उसमें ह्यूमर था कोई, तो ये सारी चीजें आपके पेरिफेरल मोड में आ जाएंगे। एंड दिस इज योर इलैबोरेशन लाइकलीहुड मॉडल दैट एनी पर्सुएसिव मैसेज दैट यू आर रिसीविंग, आर यू प्रोसेसिंग इट थ्रू द सेंट्रल रूट जिससे आपका एटीट्यूड स्ट्रांग बनेगा और आपका बिहेवियर प्रिडिक्ट हो सकता है, या आप उसे पेरिफेरल रूट से लेके जा रहे हो जिससे आपका एटीट्यूड वीक बनेगा और आपका बिहेवियर भी प्रिडिक्ट नहीं हो पाएगा। So that's it for today's video, everyone. Thank you, thank you, thank you so much for investing your time. I'm really, glad कि आप लोग अपना time invest करते हैं. I really appreciate that. And I hope that आपको इन videos से, इस channel से कोई value add होती होगी. If yes, then do let me know in the comment section below. कोई भी suggestions है, कोई भी doubt है, feel free to put it down in the comment section या Instagram पे आप reach out कर सकते हो @mindreview1. ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। सो वील एंड दिस वीडियो ओवर हियर। आज 33 मिनट्स की वीडियो हो गई है, आई प्रोमिस यू कि 30 मिनट से ऊपर नहीं जाएगी, बट क्या करें, एक्सप्लेन करते करते थोड़े भावनाओं में बह जाते हैं, है ना, बट नो इश्यूज। आई विल सी यू नेक्स्ट इन अनदर वीडियो ऑन सोशल साइकोलॉजी। टिल देन हैव अ वेरी गुड डे एंड बाय बाय।